नमस्ते। आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब जी के दो और लगियां एंड साथ में एक बेहतरीन फिलर। दिस इज द वीडियो सीरीज 2 ऑन उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब लगी। उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब की इन लगियों को उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने बजाया, तारिक खान साहब जी ने बजाया और ये अब आप भी आराम से बजा सकते हैं। अब हम करेंगे द नेक्स्ट लगी। द नेक्स्ट लगी इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल लगी। यहां पे हमने बहुत देर तक धातु नाना बजाया, हमारा हाथ भी थकने लगा होगा अब तक। तो यहां पे हम क्या करना है, धातु नाना से हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना है। स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जी बजाते हैं, धातु नाना से थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं एंड वो धातु नाना की जगह ताती धा धा से शुरू करते हैं जैसे उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब जी ने बजाया था। ताती धा धा वो धातु नाना का फ्रेमवर्क है बट सिर्फ स्टार्टिंग चीज अलग हो रहा है बिकॉज अगर हम एक लगी को हम चेंज कर रहे हैं, दूसरी लगी पे जा रहे हैं, द नेक्स्ट लगी शुड नॉट बी साउंडिंग सेम, इट नीड्स टू बी साउंडिंग डिफरेंट, तभी तो वो अलग लगी होगा। तो दैट इज वाई ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नातू नाना, पहला लाइन इट्स अ लॉन्ग लगी, ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नातू नाना, पहला लाइन है और उसके बाद ताती धाधा नाधिन नाना। तो यहां पे देखिएगा ताती धाधा इज द कॉमन पहला लाइन, दिस धा का लाइन ताती धाधा एंड ता के लाइन में भी ताती धाधा इज द कॉमन पार्ट। चेंज कहां हो रहा है, नातू नाना हो रहा है धाके पार्ट में एंड नाधी नाना हो रहा है ताके पार्ट में। ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नाधी नाना, ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा, ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नाधी नाना, ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नाधी नाना, धाधा नातू नाना, ताती धाधा नाधी नाना, ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नाधी नाना, ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नाधी नाना। यहां पे धाधा जब अब बजाते हैं यहां पे हमारे पास ज्यादा स्कोप होता है, यहां पे बायां का काम गमक का काम करने का। अगर लगी और फास्ट आपके हाथ में बजता है, गाना अगर और फास्ट स्पीड का है तो आप आराम से और भी स्पीड में बजा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आप तब बजाइए अगर आपके हाथ में कंफर्टेबल है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो खामोखो स्पीड के पीछे जाने की जरूरत नहीं, ये इज नॉट जस्ट वन डे ऑफ प्रैक्टिस से होता है, बट यस एवरी डे रेगुलर प्रैक्टिस से आपके हाथ में सफाई जरूर आती है एंड स्पीड ग्रेजुअली बढ़ता है। और एक बात आपको याद रखना है, ये जो नाती धाधा बजा रहे हैं यहां पे धा में यहां पे जोर देना थोड़ा सा आपको बाकी साउंड से, ये जो डबल स्ट्रोक है ये धाधा जो स्ट्रोक है वो आपको और डिस्टिंक्ट रखना है। देयर इज वन मोर सीक्रेट ओवर हियर। जो यहां तक देख रहे हैं कंटिन्यूअस देख रहे हैं उनको ये सीक्रेट फायदा करेगा, जो स्किप करके देखते हैं दे विल श्योरली लूज इट आउट। यहां पे बोल है ताती धाधा, पर बजाते समय अगर आप ताती धाधा कंटिन्यूअस बजाएंगे आपका हाथ थकेगा। एंड राइट हैंड में आपको क्या करना है, धाना, सिर्फ जब आप गमक का काम करें तब आप धाधा बजाइए, वरना आपको क्या बजाना है, ताती धाना। बोल है ताती धाधा नातू नाना, ताती धाधा नाधी नाना, ट्रिक क्या है, ताती धाना नातू। राइट हैंड में अगर आप धाधा भी बजाते हैं तो भी डबल स्ट्रोक ऑफ ना आता है, और अगर धाना भी बजाते हैं राइट हैंड में डबल स्ट्रोक ऑफ ना आता है। डिफरेंस क्या होता है, धाधा में आप डबल स्ट्रोक ऑफ लेफ्ट हैंड करते हैं एंड धाना में आप सिंगल स्ट्रोक ऑफ लेफ्ट हैंड करते हैं। तो फास्ट स्पीड में राइट
राइट हैंड तो वही रहता है, लेफ्ट हैंड का खेल होता है कि आप उसको डबल स्ट्रोक की जगह सिंगल स्ट्रोक में बजाइए, देर तक आप बजा पाएंगे। एंड गमक का जो काम है वो बीच बीच में आना चाहिए, सो दैट इफ यू आर जस्ट प्लेइंग द गमक ऑल अलोंग वो मजा नहीं आता है। आप बीच बीच में गमक का काम लाइए तो वो सुन के और ज्यादा मजा आता है, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग आउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन आउट ऑफ योर बाया। तो ये था हमारा तीसरा वेरिएशन। अब हम करेंगे चौथा वेरिएशन, द फोर्थ वेरिएशन, धाती धाना। सो धाती धाना धातु नाना, पहला लाइन हुआ धाती धाना धातु नाना, धाती धाना ना धिन नाना, धाती धाना धातु नाना, धाती धाना ना धिन नाना। तो स्ट्रक्चर वाइज तीसरे के जैसा काफी सिमिलैरिटी है, ती से शुरू होता है, और यहां पे भी चौथा वाला भी ती से शुरू होता है। सो धाती धाना धातु नाना, धाती धाना ना धिन नाना, धाती धाना धातु नाना, धाती धाना ना धिन नाना। इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेजुअली ही स्पीड बढ़ाएं, बिकॉज ये सुनने में जितना अच्छा है बजने में भी अच्छा रहेगा अगर आप इसको ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाएं हाथ में बैठाने के बाद। धाती धाना धातु नाना, धाती धाना ना धिन नाना। एंड पार्ट में जो नाना है वहां पे आपको घसीट देना है, धाती धाना धातु नाना, धाती धाना। इस स्पीड में थोड़े अच्छे से देर तक बजाने के बाद ही आप अपना स्पीड बढ़ाइए, ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाइए। अब यहां पे आप एक और फिलर यहां पे बजा सकते हैं, जैसे आपने पहले एक फिलर आपने सीखा था उसको तो आप पहले आपने यूज कराई है, यहां पे आप थर्ड एंड फोर्थ जो लगी है उसके बीच में इसी के टाइप के आप फिलर आप यूज कीजिए, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है धीनेता धीनेता धीने धीनेता के तेरे केटे। तो धीनेता धीनेता धीने धीनेता के तेरे केटे, ये वाला आप अगर फिलर बजाएंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बोल है धीनेता धीनेता धीने धीनेता के तेरे केटे, धीनेता बहुत ही आसान है, धीनेता धीने 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 ताग तेरे केटे, दो चार बार हम लोग बजाते हैं इसको, धीने ता धीने ता धीने धीने ताग तेरे केटे, फिर से धीने ता धीने ता धीने धीने ताग तेरे केटे, धीने ता धीने ता धीने धीने ताग तेरे केटे। ये आपको बहुत सेंटर ऑफ द सियाही तक उंगली रख के नहीं बजाना है, पीछे रख के बजाना है, दैट इज द एज ऑफ द सियाही तक, बिकॉज आपको इसके बाद शुरू करना है ताती धाता नाती नाना या फिर धाती धाना धातु नाना, कोई सभी आप वेरिएशन बजाए तीसरा या चौथा, उसके पहले आप ये वाला फिलर डालें। तो इसी तरीके से आपको अपने फिलर को बजाना है, एंड देन यू कैन प्ले द थर्ड वन वेरिएशन ऑफ द लग्गी, और एल्स यू कैन ऑल्सो प्ले द फोर्थ वेरिएशन। फोर्थ वेरिएशन जैसे एक बार हम लोग लास्ट रिवाइज कर लेते हैं, ताती धारा धातु नाना, ताती धाना ना धिन नाना, ताती धाना ना धिन नाना, ताती धाना, थोड़ा हल्का बढ़ा के। धाती धाना
ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज ऑन उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब. उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब जी का जो योगदान है तबले में, उनके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है. ही वॉज द एपिटोम ऑफ लग्गी प्लेइंग, जिनको सभी ने फॉलो किया है. उनको उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने भी फॉलो किया उनके लग्गी को, उस्ताद अली खान साहब जी ने भी उनके लग्गी स्टाइल को फॉलो किया. सो दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज जितना इस ऐसे वीडियोस पे लाइक्स आएंगे, यूट्यूब के एल्गोरिदम को यही समझ में आता है कि अगर किसी वीडियो पे ज्यादा लाइक आता है मतलब द वीडियो इज वेरी यूजफुल. जो मुझसे सीखना चाहते हैं ऊपर दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप का नंबर, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे तबला सीख सकते हैं एट 50% डिस्काउंटेड चार्जेस, डिस्काउंटेड प्राइसेस. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू सो मच. एंटायरली माई प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू थ्रू माई तबला ट्यूटोरियल्स. थैंक यू वंस अगेन.